नमस्ते शख्स, क्या आपको पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? लोग इसको कचरा मानते हैं, 60% है गीला। ये गीला कचरा खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो फिर हम क्यों रोज इसको लैंडफिल भेज रहे हैं? इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने डेली डंप शुरू किया था। मेरा नाम पूनम कस्तूरी है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। डेली डंप एक अवार्ड विनिंग डिजाइन लेड ब्रांड है जो कॉम्पोस्टर्स डिजाइन डेवलप करती है। हमारे पास एक पूरे रेंज ऑफ कॉम्पोस्टर्स हैं और ये जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है टेराबाइट अभी हमने लॉन्च किया है, इसने तो कॉम्पोस्टिंग एकदम आसान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा किचन का कचरा, इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे, अभी 30 दिन के बाद चुंगन तक। 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया और इसका नाम है खंबा। आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग, खंबा, टेराबाइट, गॉबल। गॉबल, ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। मैंने शुरू किया था 2006 में, जब ये किसी को नहीं चाहिए था। वाओ, और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कॉम्पोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कॉम्पोस्टर भी होना चाहिए। और इसके लिए हमको चाहिए 80 लाख 4% इक्विटी में। पूनम जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। तो आप तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको, कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में, वो अभी भी चल रही है, इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन, बहुत बड़ी बन गई है। बट आई गॉट आउट, देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। ओह, दैट्स अ लवली स्कूल। कौन से साल में? 1996। अच्छा, तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेट अप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच नाउ यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने पूछा, ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन आई वांट टू इंप्लीमेंट, देन आई सेड ठीक है, अभी डेली डंप शुरू करते हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी, बी द चेंज यू वांट टू सी। आई थिंक हम मिले हैं नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में। हाँ जी, यू वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हाँ जी, और मैं जूरी में थी। अच्छा, और आई वाज ब्लोन अवे। माय गॉड, दैट्स वेयर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। In fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. Hello, Sharks. मेरा नाम है अर्जुन, मैं बैंगलोर से आया हूँ। क्या किया है आपने, आपका क्या बैकग्राउंड? So I have been on the tech industry. I managed delivery for a large cybersecurity company. आपने पढ़ाई कहाँ की? I am बैंगलोर से MBA किया, उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है, आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? सो दो फंडामेंटल ग्रुप्स है, एक है कम्युनिटी कॉम्पोस्टर्स जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं, मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी। ओके, और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स। माध्यम लार्जली ऑनलाइन है, हमारा खुद के वेबसाइट है, और अमेज़न पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं, एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं। तो लोग, इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं। हाँ जी, बट आपका स्मेल नहीं आती क्या खान, मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप?
सही तो कह रहा हूँ. This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर दिखा देती हूँ. चैलेंज है? नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है. His point is different. It's a good point. Because लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है. तो his point is आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं. We do a lot of work with kids. I'll show you the books. Very nice book. और आपने बहुत सरल तरीके से कार्टून्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया. Very nice. जब हमने शुरू किया था ना, हमको पता था कि लोग पैसा नहीं देने वाले. We said, ठीक है, we'll start with creating a symbol for composting. We are not going to talk to people like him. Because he's not going to come anywhere close to that, right? I somewhat agree. So, थोड़े जो, you know, even 10% intelligent. Intelligent. Evolved. और little bit of earth. Class. Mass and class. So, उनसे शुरू करते हैं. ये कचरा के पेटी लगती है क्या? नहीं, बहुत. ये अच्छा लगता है. लग रहा है. पर इसमें कचरा डालेंगे. ये that is why we wanted to do. इसमें एक महीने का जाएगा? पूरा ये life के लिए. Because जो आपका इतना लगता है ना आपको, छोटा होता जाता है. That is the beauty of composting. तो एक खंबा एक चार लोगों की फैमिली का महीने का कचरा सब अब्सॉर्ब कर लेगा. लाइफ का करे. It's a rotating thing, right? जब 30 डेज हो गया, इससे नीचे से आप निकाल सकते हो. अगर वेट वेस्ट लैंडफिल में जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? इट इज बायोडिग्रेडेबल. वेट वेस्ट हैज टू बायोडिग्रेड विदाउट क्रिएटिंग मीथेन. We are generating a lot of landfill methane. And in addition to that, आपका जो wet waste है ना सर, कितना पानी है उसमें? वो मुझे percentage? Maybe 20. 70%. 70, चलिए 70. 20 और 70 में बहुत फर्क है. हाँ जी, मुझे पता नहीं, इसलिए आप वहाँ. चलो अच्छा है, कुछ तो अनुभव को नहीं पता. तो 70% water में हम taxpayers money truck में डाल रहे हैं और पानी लेकर जा रहे हैं. हाँ जी. एक ट्रेन ये क्या है? रीठा. रीठा तो रीठा ही है ना. रीठा वो जो बालों में लगाते हैं. हाँ. पर ये वॉशिंग कपड़ों के लिए है. करेक्ट. ये कपड़े भी वॉश करते हैं रीठा. अच्छा. मैंने चाहा कि डेली डंप के साथ एक दूसरा ब्रांड करे, हार्मलेस होम. नेचुरल अल्टरनेटिव्स मार्केट में डालेंगे. अच्छा. क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स जो है हमारे, हम घर में लेकर आते हैं और आपको तो पता ही है. yeah. तो आप उसी में काम करते हैं. मेरे को पता क्या लग रहा है पूनम जी, क्लासरूम चल रहा है. ये तो कंफर्म है कि आप टीचर तो थी. पूनम जी, यूजुअली फाउंडर्स जब यहाँ आते हैं ना तो बहुत ऐसे डरे डरे इंटिमिडेटेड रहते कि शार्क्स हैं. यहाँ तो आपने हर एक शार्क की क्लास ले ली है. कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू. अब आप अपने सेल बताइए कि अभी बिजनेस कितना हो रहा है महीने का, सालाना? लास्ट ईयर अभी हमने जो बिजनेस क्लोज किया, so 3.75 करोड़ का किया. लास्ट ईयर मतलब FY22. 21-22. But the sad thing is in 20 we closed at 4.3. Yeah. So we closed at 4.3. COVID did slow us down. Very nice, but पिछले महीने क्या सेल्स किया? पिछले महीने 26 लाख. या. ये टेराबाइट कितने का है? ये अभी 20,000. और वो जो खंबा? वो 3,500. और मंथली इसमें मैजिक पाउडर डलता है वो कितने का है? रेकरिंग कॉस्ट? एनीथिंग बिटवीन 200 टू 500 रुपीस अ मंथ. चलिए अर्जुन, पूनम जी. हाँ जी. थैंक यू फॉर अ ग्रेट एजुकेशन एंड प्रेजेंटेशन. तो आपके मकसद के साथ तो मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्राइस पॉइंट पे आप ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ज्यादा कर लोगों के लिए आउट ऑफ रीच है. हमारे देश में वैल्यू कस्टमर्स है, ये कम से कम भाव में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं. तो इसको स्केल करना बहुत मुश्किल. तो इस वजह से मैं आउट हूँ. अर्जुन, आई एम वेरी ग्लैड यू जॉइंड अस. मैं ये चाहूंगा कि आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखूं, तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू. आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा. आपको ना ये जो बिन है इसको अफोर्डेबल बनाना चाहिए. हाँ. और आपका जो पाउडर है उसको महंगा करना चाहिए. अच्छा. क्योंकि वो रेकरिंग है. हाँ. राइट, जैसे कॉफी मशीन में होता है. हाँ, यू हैव टू बाय सर्टेन कि आप इसको यूज करिए ताकि अडॉप्शन बढ़े. करेक्ट.
आपका प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर? अभी अबाउट 3.75 to 4 crore में वी आर जस्ट ब्रेकिंग इवन, बट द ग्रॉस मार्जिन इज अबाउट 45%. सो इफ वी स्केल देन आई थिंक इट शुड कंटिन्यू. तो अभी कोई कैप टेबल में किसके पास इक्विटी है? 95% मेरे पास है, 5% मैंने मेरे 3x एम्प्लॉइज को दे दिया. अर्जुन, तो आपके पास भी इक्विटी है? वी आर वर्किंग द पेपर वर्क. Approximately about 30%. Sales का split बताएंगे between ये सब? About 25 to 30% community composters and home composters, and this one is about 50% close to, and about 10 to 15% on the remix and yeah. And 5% of the miscellaneous products I would say. मैंने decision बना लिया है. देखिए मुझे क्या लगता है, आपका mission बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, एंड पूनम जी आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ मैं आज. थैंक यू. मुझे कहीं ना कहीं इसमें ना चैलेंज आ रहा है टीम को रिलेटेड, थोड़े से और हंग्री टैलेंट लाना पड़ेगा. मेरा मिशन है टू सेट अप दैट सेल्स टीम एंड दैट प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर. नहीं, बियॉन्ड सेल्स, इनफैक्ट इनोवेशन में, बिकॉज अभी तक सारा दिमाग पूनम जी आप ही का लगा हुआ है इस इनोवेशन. नए जो इनोवेटर्स आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान पैदा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे, वो इसका एक अल्टरनेट बना देंगे जो आपको भी नहीं पता चलेगा. तो जब ये टीम बनेगी ना, तब मैं उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा. आज मुझे इससे बाहर होना पड़ेगा. मेरा भी डिसीजन बन गया है. जो अभी आपका कोर बिजनेस है, जो 50% रेवेन्यू है अमेजोन एंड मार्केट प्लेसेस में, जहाँ परसेप्शन अभी भी है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा अपहिल टास्क लग रहा है. जो बी टू बी वाला बिजनेस है, सेल्स वाला, वो भी 25% का है, तो उसका प्रूफ ऑफ यू नो कि ये स्केल हो सकता है अभी है नहीं. तो अभी यू नो मैं इससे आउट होना चाहूँगी, बट बेस्ट ऑफ लक. Thank you. तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आपकी पिच बहुत अच्छी लगी. आई लव मीटिंग यू. आप बहुत बड़े रॉक स्टार हो. मैं अभी इससे आउट होना चाहूँगा, बट मैं आपको एक सरप्राइज दूँ. एक ऑफर आएगा आपकी तरफ. तो मेरी मॉम is very passionate about farming and usi ke wajah se I am passionate, so I'll be very honest. Iske competitors bahut hai, I know the space. Aapke pricing mein bahut issues hai, margins mein issues hai, aapka revenue is flat, but it's worth showing ke this is investable, we can make it a success story, because a environment is important, b abhi bahut ho gaye awards, पैसे डालते हैं सोशल इंपैक्ट सेक्टर में. तो मेरा ऑफर आपके लिए है 30 lakhs और 5% इक्विटी, जो वैल्यूएशन होगा 6 crores, विच इज अबाउट 1.5 times योर सेल, एंड 50 lakh इन डेट एट 10% इंटरेस्ट. गुड ऑफर. हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी कम हो गया, तो हम चाहते हैं कि आप अगर 50 lakhs 5% पे डालें और 30 lakhs डेट पे करें, तो वो नहीं, इक्विटी डेट रेशियो सेम रहेगा, वैल्यूएशन की बात की. सो वैल्यूएशन वी आर ट्राइंग टू कम अ 10 crore. इनका काउंटर ऑफर नमिता है 30 lakh फॉर 3% एंड 50 lakh डेट. आई एम विलिंग टू गो टू 30 lakh फॉर 4%. जिसका वैल्यूएशन हैज गॉन फ्रॉम 6 to 7.5. My advice would be to take it. Honestly, main na, I could have stayed at my earlier thing, but I'm in love with this woman. Wow! I am. 3 saal pehle aapko award diya tha, abhi mujhe aapko paise. Done. Whoa! Yes. Well, I want to give you a big hug. I'm so excited. इसी से दुनिया बनती है. थैंक यू सो मच. थैंक्स गाइस. वंडरफुल.